मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नौखा, डॉक्टर अन्ना राम शर्मा सह आचार्य हिंदी। कबीर का विद्रोही दर्शन, या कहें कि कबीर के व्यक्तित्व में विद्यमान विद्रोही चिंतन किस रूप में उनके साहित्य में व्यक्त हुआ है। कबीर जन्मजात विद्रोही थे। उनकी मानसिक संरचना के निर्माण में विविध विरोधी परंपराओं का योग था। हिंदू होकर भी मुसलमान, अनपढ़ होकर भी तत्ववेता, धार्मिक होकर भी धर्म विद्रोही, सामाजिक होकर भी समाज को चुनौती देने वाले कबीर समन्वयवादी नहीं थे, अपितु समाज, धर्म, अध्यात्म, अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों में उन्होंने विद्रोह का झंडा फहराया। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने मध्यकालीन समाज की विसंगतियों को चुनौती देते हुए काशी के चौक में खड़े होकर कहा कि जे ब्राह्मण तो बांबनी जाया, अनि बाटवे क्यों नहीं आया। मूर्ति पूजा, यज्ञ, हवन, रोजा, नमाज, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत आदि के माध्यम से जिन सामाजिक विसंगतियों को हवा मिल रही थी, कबीर ने उनका खंडन किया। उन्होंने कहा कि पंडित वाद वदे सो झूठा। उन्होंने परंपरागत शास्त्रों और पुराणों की खिल्ली उड़ाई है, वहीं हिंदू मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों के मतांधों को फटकारते हुए उन्होंने कहा, अरे इन दोन राहन पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। कबीर ने अप्रगतिशील सामंतवादी ताकतों का भी विरोध किया। उन्होंने अपने मंतव्य का आरंभ अहम की मुक्ति से किया, चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े। मध्यकालीन सामंती समाज अहम ग्रस्त था, वर्ग भेद आधारित था, जहां गरीब और अमीर में अंतर है, पुरोहित वर्ग और सामान्य जन का अंतर है। उन्होंने कहा कि अपने से बाहर निकलो और सीमाओं का अतिक्रमण कर व्यापक समाज में पहुंचो, जहां उच्चतर मूल्यों की प्रतिष्ठा है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोऊ तजे, ताकर मता अगाध। इसी प्रकार कबीर ने द्वैतवाद और अर्थवाद का भी व्यापक विरोध किया। कबीर ने कभी भी व्यक्तिगत मुक्ति की कामना नहीं की और न परलोक सुधार की चिंता है। उनकी प्रमुख चिंता थी कि निम्न वर्गों का आर्थिक उद्धार कैसे हो। कबीर ने भ्रष्ट तरीकों से धन कमाने की प्रवृत्ति की भी घोर निंदा की। उनका संबंध कारीगर वर्ग से था। अनेक शहरी कारीगरों को उच्च वर्ग के लिए काम करना पड़ता था। दो जून भोजन के अतिरिक्त वे कारीगर कुछ भी नहीं चाहते थे, इसीलिए वे व्यंग्य करते हैं कि ले लो अपनी माला, मैं खाली पेट भगवान का नाम नहीं जप सकता। उनकी दृष्टि में निर्धनों के उद्धार में ही असली भक्ति का अर्थ निहित है। धर्म के क्षेत्र में कबीर ने सिद्धादि की विविध वासना में उपासना पद्धतियों और नाथों की नीरस योगिक चमत्कारी क्रियाओं की को पंकिल गर्त से जनता को उबारने का अपना लक्ष्य बनाया। सेव साक्त नाथ हठयोगी सभी का उन्होंने विरोध किया। साकर ते सुकर भला, राखे सूचा गाँव, साकत वपुरा मरी गया, कोई न लेव नाऊ। दर्शन के क्षेत्र में भी उन्होंने परंपरागत दार्शनिक मान्यताओं को ठेंगा दिखा दिया। उनका सारा बल निज ब्रह्म विचार पर है, इसीलिए द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत से परे अपने निर्गुण राम की संकल्पना उन्होंने दी। निर्गुण अद्वैतवाद के दार्शनिक पक्ष को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया। सगुण भक्ति में से भक्ति को ग्रहण करते हुए अवतारवाद की उपेक्षा की। सिद्धों द्वारा बताए हुए सामाजिक सिद्धांतों को मानते हुए भी उनकी साधना पद्धति की निंदा की। नाथपंथियों के योग पंथ को स्वीकार करके भी उनकी लोक विरोधी साधना को त्याज्य ठहराया। इस प्रकार उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में रूढ़ धारणाओं का विरोध किया। वस्तुतः कबीर का व्यक्तित्व दुर्घृष क्रांतिकारी का है।
वे कहते हैं कि कविता कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, जो घर जाले अपना चले हमारे साथ। स्वयं के प्रति निर्मम होना ही विद्रोहियों का प्रधान लक्षण रहा है। कबीर में यह निर्ममता कूट कूट कर भरी है।